नमस्कार संध्या सात बाजिबा को जाउछि आउ दिनर प्रमुख खबर सह प्राइम ओडिसा को स्वागत करुछि मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आकु नबा किंतु प्रथम देखि नबा कोन रहिछि हेडलाइन्स खूब शीघ्र 12 रु 14 वर्ष पिलां को वैक्सीन फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभ हो पारे अभियान राज्य में आज 11,000 को खसला दैनिक केस ओडिशा आसंता 25 सुधा पीक रे पहुंची पारे संक्रमण पंचायत फाइट पाई नामांकन आरंभ पवार करिडर सह जनता कोसुचंती राजनीति गणित संख्या गरिष्ठता कथा कहिला बीजेडी विरोधी देले परिवर्तन रा आह्वान रास्ता गाड़ी बाजार रे लागे छे बैनर होर्डिंग शासक दल रो बोली आखि बुझी चंती कि निर्वाचन कमिशन आचरण विधि से कोरोना कटकणा न मानिले भी पड़ुनी फरक विरोधी का प्रश्न केमिति हेबा निरपेक्ष निर्वाचन पुटियारे आंध्र ओडिशा विरोधी बड़ षड्यंत्र हिंदू देवदेवी को असम्मान परे ऐतिह्य संस्कृति उपरे नजर राजवंश सह 500 वर्ष पुराणा नथी को करुछंती नष्ट देखिबा अर्गस रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एवं कोविड करिदेला अनाथ देश में 1.5 लाख ओडिशा रु सर्वाधिक 24,405 शिशु सुप्रीम कोर्ट रे एनसीपीसीआर रो सत्य पाठ किए मार पणत हराई तो किए हर मुंड उपरु बापा माँ का हाथ कोविड टीकाकरण को नहीं बड़ा खबर खूब शीघ्र आरंभ हो पारे 12 रु 14 वर्ष वयस्कों वैक्सीनेशन फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभ रे आरंभ करा जाई पारे योजना सेपटे ओडिशार स्थिति को नहीं विशेषज्ञ आकलन चलित मास शेष आड़क पिक छुई पारे कोरोना संक्रमण पिलांक टीकाकरण नहीं खुशी खबर खूब शीघ्र आरंभ हेब 12 रु 14 वर्ष पिलांक टीकाकरण फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभ रे टीकाकरण पई योजना सूचना देले कोविड 19 नेशनल एडवाइजरी चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोरा ओडिशा रे चलित मास शेष आड़क पीक छुई पारे कोरोना संक्रमण पिला मानंक टीकाकरण दिगरे बहु शीघ्र देश को मिलिबा को जाउची एक आश्वस्तिकर खबर कोविड 19 नेशनल एडवाइजरी चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोरा एई सूचना दैछंती फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभ रु 12 रु 14 वर्ष पिलामानंकु टीका दिया जिवो बोली श्री अरोरा गणमाध्यम को सूचना देछंती 15 रु 17 वर्ष बयस वर्गर पिलामानंकु जनवरी शेष सुद्धा टीकाकरण प्रथम डोज जोगाइबार लक्ष्य रहिछि एहा सहित फेब्रुवारी शेष सुद्धा एही पिलामानंकु द्वितीय डोज मध्य प्रदान करा जिवो सेतिपई फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च रो प्रथम सप्ताह रु 12 रु 14 वर्ष मध्यरे पिलामानंकु टीका देबार प्रस्तुति आरंभ करा जायछि बोली डॉक्टर अरोरा कहिछंती एपटे ओडिशा रे कोविड संक्रमण बढ़िबारे लागिछि स्वास्थ्य विशेषज्ञक अनुसार चलित मास 25 तारीख आड़क राज्य रे पीक को जाई परे कोरोना संक्रमण तेणु आगामी 7-8 दिन गुरुत्वपूर्ण एही समय रे संक्रमण सामान्य बढ़िबो किंतु पूर्वरु जेतिकि बढ़िबो बोली आशा करा जाउथिला सेमिति बढ़िबनि अधिक किछि कटकणा आवश्यक पड़ि न पारे किंतु घरे घरे जेपरि ठंडा काश हेउछि एते चिंताजनक नुहे बोली कहिछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र गोटे निश्चय वीकेंड थिला संडे थिला तेणु टेस्टिंग कम हेतिला गोटे कथा आ मेजोरिटी जेतु बहुत माइल्ड डिजीज होउछि असिम्प्टोमेटिक किंवा माइल्ड ठंडा काश भलिया होउछि तेणु लोक माने टेस्ट भी करौ नाहांती आ जेतु गवर्नमेंट बर्तन करदेछि कंटाक्ट मानकर जदि सिम्टम नथिबो टेस्टिंग करिया दरकार नै से भी टेस्टिंग हमर टिके कम गेला सेटा गोटे कारण हमर टिके केस लोड कम अछि ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମର ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାମିଟର ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ରେ ସେଇଟା 4 ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଡିସେମ୍ବର 6 ଯାଏଁ ତାପରେ ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏଇଟା 2.2 ଚାଲି ଆସିଛି ତେଣୁ ଡିଜିଜ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ପିକ୍ କରିସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବି ତାଙ୍କର ପିକ୍ କରିଗଲାଣି କଲିକତା ଆଜି କାଲି ପିକ୍ କରିଯିବ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଭାଇ 25 ତାରିଖରୁ ପିକ୍ କରେ ତେଣୁ ଆମର ଅନଦର ଯେଉଁ ରହିଲା 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ 7-8 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିଲା 25-50 ହଜାର ଲାଗିବନି ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଧର 20,000 ଭିତରେ ରହିଯିବା ଯେହେତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମ୍ ରହୁଛି
किशोर मानक पई चलीतिबा टीकाकरण ड्राइव 15 रु 17 वर्ष बयस वर्ग रे समुदाय 3.31 कोटी पिला सेमानकर प्रथम डोज ग्रहण करि सारिछंती। एबे 12 रु 14 वर्ष पिला मानक टीकाकरण पई देशर प्रस्तुति आरंभ हेबा एक शुभ सूचना बोली कुआ जाय पारे। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जीवा एक गुरुत्वपूर्ण खबर को महंगा डबल मर्डर घटनारे मामलार तदंत समाप्त करी संपूर्ण विवरणी दाखल पाई आईआईसी को निर्देश। रिपोर्ट दाखल निर्देश देले सालेपुर जेएमएफसी को। सीडीआर संपर्कित दुई अभियुक्तंकर रिमांड आवेदन को मध्य खारज कर दैछंती कोर्ट। दुई अभियुक्तंकु रिमांड नेबाकु आवेदन करथिला पुलिस। सेपटे जहां अभियोग हेउथिला तहा प्रमाणित हेला। मंत्री प्रताप जेनाक राइट हैंड कहुवा पीए बापी विश्वाल और महांगा ब्लॉक अध्यक्ष शरत नायक मृत प्रफुल्ल विश्वाल फोन रे कथा होता महांगा पुलिस कोर्टे जन ए संपर्क आम अधिक प्रतिक्रिया ना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती कुलमणि बराला पुह रमाकांत बराल जिकि अभोग करते कोर्टे। रमाकांत बाबू आपको स्वागत। एवं जो कथा आप अभियोग कथा पुलिस आज कोर्टे स्वीकार करी जे प्रफुल्ल विश्वाल सहित बापी विश्वाल आ शरत नायक से माने फोन रे कथा होते से सीडीआर कथा आप उठाई कोर्ट मध्य सीडीआर मागी पुलिस को। आज्ञा निश्चित भाव में आम मूल कही मान्यवर अदालत आम भरोसा रखीछु एवं आगामी दिन में रखु कोर्ट निश्चित भाव में आम दबो एथिरे मुख्य आसामी जे मंत्री प्रताप जेना से दिने ना दिने चिन्ह पड़े आधे कौन मान अकथा नाई यहाँ आस्ते आस्ते प्रमाणित होगा जाऊँ जो अभियोग कोर्ट मागिता आज पुलिस कहते हैं मुदाला सा प्रफुल्ल विश्वाल सागर प्रफुल्ल विश्वाल विकास जेना हत्याकांड 2018 ठार संश्लिष्ट अच्छी मुख्य आसामी चार्जसीट है वारंट है ता सागर ये कुछ कथा हो जन हत्याकारी सागर ये कथा कौन होते बापी विश्वाल हूँ शरत नायक हूँ तेनाली ये कि कथा होता है जो दु वर्ष तलु से हत्याकारी चार्जसीट है ना वारंट बढ़ी ये हत्याकारी जन आगे कि कथा होते तेणु निश्चित भाव आगामी दिन में पर्दाफाश हम मुख्य आसामी प्रताप जेना एथेर निश्चित धरा पड़े एथेर किसी व्यक्ति नहीं किंतु जो भली भाव में महांगा पुलिस जो भूमिका एठी निभेई बारंबार कोर्ट का निर्देश सत्वे सीडीआर दाखल न करिबा समय मागिबा दिन गड़ेबा प्रमाण नष्ट पाई उद्यम करिबा एवं जो कथा अभियोग बारंबार मध्य आपण आनिछंती जे प्रताप जेना को जाणी सुणी कि चार्जसीट रु तांका नाक हटेबा तो ये महांगा पुलिस जो भली भाव में तार भूमिका एठी रही आसी आपण को लागू एत शीघ्र सबकिछि सामना को आसीब पुलिस तदंत को बाटमणा करिया पाए उद्यम करिवो करिवनी निश्चित भाव रे से अदालत को राय को पुलिस मानिया को बाध्य हो मांगा पुलिस रो भूमिका को आमे संदेह करू नाउ एथि कथा उठुछ जे ऊपर स्तरीय जो रहिले अधिकारी माने से माने प्रभावित करिया को चेष्टा करूछंती जोटा कि मांगा पुलिस आईआईसी जने जने आईन मंत्री जो वकील आमको विरोध करूछि तळ कोर्ट रे ताकु फिटिंग करछि फुल ऊपर कोर्ट रे आमको न्याय दवा पई ना आम तो आरंभ रु कहूँ जो आम आपण सरकारी वकिल भरोसा ना तेनाली बर्तमान आम जहाँ जाना पाऊ जो वकिल आमर ये जो तल कोर्टर केसटा को जापर कोर्टे अपिल करुले और मान्यवर अदालत खारज कले सी पुणी पोस्टिंग होती ल डिपार्टमेंट दौर पोस्टिंग करें केस लड़ाई सी राजस्व रु दौ आम राज्य सरकार अर्थ राज्य सरकार राजस्व रु दि पैसा से केस लड़ापी कौ वकिल को दिखाई जो वकिल आमको ये विरोध करें आपण मध्यम नवेदन करूँ मानवर मुख्यमंत्री की एवं अदालत अपिल करूँ जे आमको फ्री छड़ जाऊ आम आम विश्वस्त वकिल दे आम केस टी लड़ू जेहेतु एथेर मुख्य आसामी प्रताप जेना मंत्री आईन मंत्री तेणु सी विभिन्न बाटर ये केसटा को चपेवाई गला बाट खोजुं विभिन्न बाटर गला बाट खोज तेणु आमर अदालत पूर्ण भरोसा था अदालत को ऊपर पूर्ण भरोसा अच्छी किंतु जो भाई भाव में बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत बाबू आम सहित प्रतिक्रिया देथिबारु रमाकांत बराल स्वर्गत कुलमणि बराला पुओं प्रतिक्रिया दौले एक कथा
जो भाई भाव में पुलिस एक स्वीकार करछि कोर्ट रे जे प्रफुल्ल विश्वाल सहित कथा होउथुले प्रताप जनांक पीए एवं पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष त इतरु प्रमाणित होउछि जे जो कथा अभियोग हे आस्तुला सेतिर सत्यता रहिछे एवं सेइथि पाई कि सीडीआर दाखल रे पुलिस टाळटळ नीति ग्रहण करूछि एवं जेतु प्रताप जनांक पीए कथा होउथुला जे कि मुख्य अभियुक्त महांगा डबल मर्डर घटनार प्रफुल्ल विश्वाल सहित एवं परवर्ती समय प्रफुल्ल विश्वाल को संदेहजनक अवस्था तांकर मृत्यु होला तो एथिरे कोर्ट ना कोठी जो कथा अभियोग आसुछि 13 नंबर मुद्दा ला प्रताप जेना तांकर संप्रुक्ति ए कथा धीरे धीरे सामना को आसुछि जो कथा प्रतिक्रिया रखुथिले रमाकांत वराळ परवर्त खबर को जी पंचायत तो फाइट पाई काउंटडाउन आज आरंभ हो नामांकन पत्र दाखल प्रथम दिन में 8732 जन दाखल करते प्रार्थीपत्र गोटेपटे संख्या गरिष्ठता कथा कह शासक दल सेपटे पट पर आह्वान दे विरोधी पंचायत फाइट रे कहा पल्ला भारी संख्या गणति में किए मार बाजिमात के दल पिंध विजय मुकुट नामांकन पत्र दाखल आरंभ नेता दंभक्ति संख्या गरिष्ठतार जुक्ति बाढ़िला शासक दल विरोधी देले पट परिवर्तन रो आह्वान कोविड कटकणा भितरे आज आरंभ हो पंचायत निर्वाचन पर नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया वार्ड मेंबर सरपंच प्रार्थी माने निज निजर पंचायत रे नामांकन पत्र दाखल करिथा बेले समिति सभ्य प्रार्थी माने बीडीओ को निकट रे एवं जिला परिषद प्रार्थी उपजिलापालन को निकट रे दाखल करिसंती प्रार्थीपत्र प्रथम दिन में अधिक संख्यक प्रार्थी आसीन थे भी बेस चलचंचल रही सब जगह क्योंठी प्रार्थी माने निज समर्थक मान आसी प्रार्थीपत्र दाखल करता बेले आउ क्योंठी प्रार्थी नियारा ढंगरे आसी करते प्रार्थीपत्र दाखल तेज आज आरंभ हो प्रक्रिया आसंता 21 तारीख पर्यंत चलवाक 25 रे प्रकाश पाइब चूड़ांत तालिका यापर फेब्रुआरी 16, 18, 20, 22 और 24 तारीख अर्थात पांचटी फेज रे हेबो निर्वाचन एवं तापरे फेब्रुआरी 26, 27 और 28 तारीख रे तीनोटी पर्याय रे भोट गणति सो फलाफल प्रकाश पाइबो दुखिंग पाई गरीब दुखिंग पाई काम करिन बाबा हां उन्नति पाई चेष्टा करिन सरकारी दल रो जो नारी निजतना कथा हो किंबा हमरो सरकारी कळ जो अपव्यवहार करूची तार कथा हो आमे एही मुद्दा नै लोकमानक पाखु जो मु रटिलो पंचायत रु प्रतिपत्र दाखल करिची कोविड नियम पाळी सेपटे राज्यर तीन प्रमुख राजनैतिक दल मानक भितरे आरंभ होइछि आसन बाजिमात्र मानसांक शासक दल 2017 फलाफल टू बेस भल करबा सह संख्या गरिष्ठतार दंभक्ति बाढ़िथवा बेले मुख्य विरोधी दल बीजेपी पंचायतराज व्यवस्था चलिथिबा भ्रष्टाचार को प्रसंग कर पट परिवर्तन रो आह्वान दिछि एसबु भितरे कांग्रेस निज सम्मान बजाय रखा उद्यम जारी रखिछि निश्चित रूपे कथा रखुछु चलित थर विगत थर अपेक्षा चलित थर पंचायत निर्वाचन रे बिजू जनता दल 80 भागरु ऊर्ध सीट जिला परिषद अख्तियार करिवो बिजू जनता दल नेता माने पंचायत राज सिस्टम को एक भ्रष्टाचार रो प्रयोगशाला करिवारे आरंभ करचंती तीन सा परायण है कि विभिन्न जगार लोकंक राशन कार्ड काटिबा कहा को भत्ता को होल्ड करिवा ये जो पूरा पूरी भाव रे एक अत्याचार सिचुएशन प्रति ग्रामांचल रे आरंभ करचंती ता बाबद रे लोक पूरा सचेतन अछंती एवं लोक तार ता विरुद्ध रे भोट देबे 85 भाग लोक युवक युवती आमे टिकट दे मु भाबू जे आमे 52% सीट आमे दाखल पाइबू पंचायत बिकुल बाछबा परे आरंभ होछि अंक कसा पंचायत फल 2024 पई कोन देबो संकेत ताकु नै बड़ चर्चा 2017 जिला परिषद फलाफल अनुसारी बीजेडी 42.15% सह प्रथम स्थान रे रहिता बळे 34.12% सह द्वितीय स्थान रे रहितला बीजेपी 2012 रे तृतीय स्थान रे थिबा बीजेपी लंच मारी पहुंचितला द्वितीय स्थान रे कांग्रेस 18.64% सह खसी आसीतला तृतीय स्थान को सेपरे 2019 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेडी को 44.8% वोट मिलितला बळे बीजेपी को 32.6 और कांग्रेस को मिलितला मात्र 16.7% वोट मुख्य विरोधी दल होइतला बीजेपी कांग्रेस खसीतला 3 नंबर को 2019 लोकसभा निर्वाचन रो जबरदस्त सफलता मिलितला बीजेपी को 8 आसन सह 38.37% वोट बीजेडी को 42.76% वोट एवं कांग्रेस को मात्र 14.73% वोट एबे पंचायत फाइट तीन दल प्रस्तुत फलाफल को सारा राज्य अपेक्षा
ब्युरो इनपुट सह भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर को जीवा कौन करुछंती राज्य निर्वाचन कमिशन त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर आदर्श आचरण विधि लागू करा जायतवा बेले एहाकु बाय बाय करिछंती शासक विजु जनता दल रास्ता घाट छक बजार सबुठी लागिछि सरकार आत्मप्रचार होर्डिंग ब्यानर हेले काहेकि कार्यानुष्ठान नेउनाहंती निर्वाचन कमिशन ताकु नै उठिछि प्रश्न देखिबा हमर रिपोर्ट दंतहीन निर्वाचन कमिशन माळो माळो होर्डिंग ब्यानर सरकारी बस रे भी सरकार को योजनार विज्ञापन जातीय राजपथ पार्श्वरे भी लागिछि बड़ बड़ होर्डिंग और पंचायत निर्वाचन पाई लागू होइतिबा आचरण विधि हेउछि खोला उल्लंघन राजधानी आरंभ करी पल्ली जाए सबुछि उड़ुछि आचरण विधि धजिया हेले सबु देखि न देखिला भली काहेकि रहुछंती राज्य निर्वाचन कमिशन आउ जानी सुनी सरकारी दल उपरे एक्शन नबाकु डरुछंती कि निर्वाचन कमिशन गत 12 तारीख रे होर्डिंग ब्यानर हटाइबा पई निर्वाचन कमिशन को रहिथिला कोडा तागिद आउ जिलापाल मानकु चिट्ठी करथिले को निर्वाचन कमिशन लेहाकु बाय बाय कर देइछंती जिलापाल माने जहाँ भिजुआल ही बयान करुच्छे राउरकेलारु संबलपुर झारसुगुड़ारु बलांगीर कि बालेश्वर भुवनेश्वर एपीपी राजनेता तथा मंत्री फोटो जिलार विभिन्न सरकारी कार्यालय और सर्वसाधारण स्थान में प्रदर्शित होपरिक सरकारी कर्मचारी गाड़ी में विभिन्न सरकारी योजनार स्टिकर व्यवहार कर सबु दृश्य आसुची तो कमिशन नजर यहाँ प्रश्न उठाई विरोधी बीजेपी और कांग्रेस जवाब निजे विजु जनता दल बोधे प्रचार एवं निर्वाचन कमिशन गोटे खाली चिट्ठी देखि आखि मुझी आज ओडिशा सारा रे सबु जिले रे सबु गाँव रे राज्य सरकार निर्वाचन पूर्व जो होर्डिंग लगी से सब होर्डिंग लगी निर्वाचन कमिशन को अपील करने चाहे जदि बास्तव में अबाध निर्वाचन निरपेक्ष निर्वाचन कर सबु होर्डिंग पोस्टर तुरंत खोल जाऊ जोठी खोला न जाउची से जिलापाल को एवं जिला प्रशासनिक अधिकारी मानक उपरे तुरंत एक्शन निया जाए आईन बोली आउ किछि नै कि हमर इलेक्शन कमिश्नर भी ताकु देखु नहंती बा आकी मुंजी देउछंती कोन एटा तो सरकार आउ इलेक्शन कमिशन गुटे मिली भगत साजिश चली छी मु भाबु छी ए सरकार को नीति रो देखन तो आपन सब अन्य पार्टी रो बैनर सब फाड़ी छी देलेनी ए जो लोकल गवर्नमेंट बीजेडी गवर्नमेंट रो जो शंख सब आड़े आपन को दिसिबो ता उपरे ही सरकारी ऑफिसर माने बा इलेक्शन कमिशन आखि देखा जाउनी मु भाबुची से परि हमर अंचल रे हेबो नै मु आशा रखिची से परि किछि कटकणा भांगला भलिया हमर हेबो नै जेउ पांच जन को नेगिरी घर घर कैंपेनिंग अछि तामे आमे ताकु ध्यान देबो केमिति हेबो अबाध निरपेक्ष निर्वाचन केमिति सबु राजनीतिक दल को मिलिबो न्याय यहाँ नहीं प्रश्न उठिता बेले बीजेडी विधायक सांसद और मंत्री माने खुलंखुला आचरण विधि उल्लंघन एवं बड़ प्रश्न छिड़ा करी राज्य कैबिनेट पावरफुल मिनिस्टर प्रताप जेना निर्वाचन मंडली एटी चली मंत्री दरबार खोद पुलिस को उपस्थित हजार हजार लोक मंत्री निज बासभवन करवाचनी सभा आउंट दसपला विधायक रमेश बेहरा खोलाखोली भाव कल्याण मंडपे कर निर्वाचन आचरण विधि खोला उल्लंघन फांडी निकट में हजार हजार लोक विधायकों सभा चली पुलिस चुप केवल एम नुंती योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा निर्वाचन आचरण विधि लागू पर सरकारी प्रकल्पर शिलान्यास कर से आसी चर्चा आ सबु काम खुलमखुला चली बेले कौन कहते राज्य निर्वाचन कमिशन ताकु प्रश्न उठू ब्युरो इनपुट सह झारसुगुड़ सुरेंद्र बारिकों की रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिशा आगे भी रही छे गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय जाए गोटे छोट बिरतिर कोटियार मटी तले मूल्यवान खणी आउ खणी उपरे एबे आंध्र सरकार नजर
एथिपाय विभिन्न उपाय रे कोरापुट रे षडयंत्र करी चालीछि आंध्र सरकार। प्रथमे हिंदू देवादेवी को असमान करिबा परे एबे कोरापुट रो ऐतिह्य ओ संस्कृति को नष्ट करिबा पई बड़ चक्रांत करा जाउथबार अभिजोग आनिछन्ति भाषाविद। आउ किपरि भाबरे 500 वर्षर इतिहास को नष्ट करा जाइछि तार एक्सक्लूसिव विजुअल लागिछि अर्गस न्यूज हाथरे, देखिबा रिपोर्ट। कोरापुट उपरे आंध्र लोलुप दृष्टि, ऐतिह्य और संस्कृति नष्ट बड़ षड्यंत्र। षड्यंत्र पछरे खोद सरकारी बाबू कोटियारे महाप्रभु श्रीजगन्नाथ माटी पकाइबा परे एवे कोरापुट जिलार ऐतिह्य को ध्वंस करने करा देछि आउ एक षड्यंत्र जार एक्सक्लूसिव विजुअल लागिछि अर्गस हाथरे। नजर पकांतु ए दृश्य उपरे केमिति कोरापुट जिलार इतिहास ओ ऐतिह्य को ध्वंस करा देछि आउ ए संक्रांतीय नथिपत्र को साइति न रखी प्रशासन फिंगी देछि जेउथरे 500 वर्ष तर दस्तावेज मध्य रहिछि किंतु प्रशासन एहाकु साइति न रखी एहाकु ओलिया गदारे पकाई देछि जेउथरे जयपुर राजवंशर अनेक ऐतिह्य ओ परंपरा नंदपुर ब्लॉक रो माछकुंड जल विद्युत प्रकल्पर जमी अधिग्रहण पई प्रस्तुत होइतिबा नील नक्सा अंकन पड़िथिबा नथिपत्र देखिबाकु मिलिछि। माडगुल पच्चीबेंता बोरामुठा उपरे मध्य किछि कागजपत्र रहिछि आउ प्रशासनर एपरि कार्यकु नै उद्वेग प्रकाश करिछन्ति भाषाविद ओ पूर्वतन प्रशासक। एपरिकि नथिपत्र नष्ट पछरे बड़ षड्यंत्र रहिथिबार आसिछि अभियोग। आम अभियोग करूँ जे अणओिया प्रशासक मान ओडा सपक्ष जो नथी ताकू नष्ट कर सारी जोटा कौच नथी संरक्षित गृह रेकर्ड रूम ताकू रखे जमी मानवर उई मान खाद्य हम आज ताकू ध्वंस करुले आज स्थित भयंकर अणओिया मैंने आम ओडा को दखल कर सारे तेणु जो तथी धरा तदंत कर तदंत करा पूर्व से जो अच्छा जे आरक्षी अधीक्षक स्थानांतरित करा कागजात पाई सुप्रीमकोर्टे जी देते से ही कागजात उपर चली आउ किसी अधिका प्रमाण जोगाड़ कर उद्देश्य बोध हुए ना राज्य सरकार अच्छा ना जिला प्रशासन अच्छा जदि अधिका प्रमाण खोजापे चाह था गोटे टीम लगे गोटे ग्रुप अफ अफिसर्स को दे था देख आ भितर काले कौटी गोटे मिलजि सुराक जोटा आमर क्लेम को सपोर्ट करें तो करना जहाँ तो आणिक नष्ट करदे तो पक सारे असुरक्षित ओडिशार सीमा सीमारे जगन सरकार को दादागिरी ओडिशा सीमा कोटियारे क्रॉस मिशन क्रॉस झुलाइबा मिशन रे लागिछन्ति आंध्र सरकार आउ आंध्र मुख्यमंत्री जगन को धर्मांतरीकरण फंडारे सामिल होइछन्ति प्रशासन रो बड़ बाबू माने आउ सीमांतर गां गां रे छाई होइ जाइछि चर्च आउ सेठारे थिबा आदिवासी माने करिछन्ति धर्म परिवर्तन। सरकारी रेकर्ड गोटिए कथा कहुथवा बेले ग्राउंड रो चित्र किंतु भिन्न भिन्न दर्शाउछि। सरकारी रेकर्ड रे निकट अतीत रे 34 जन को धर्म परिवर्तन रो अनुमति मिलिथवा बेले एबे गां गां रे छाई होई कलाडी चर्च। सेपटे ओडिसा ओ आंध्र सरकार रो बड़ बाबू माने मिशनरी संस्था निकट रे बिक्री होइथिबार ओडिसा नागरिक महामंच अभिजोग करि सारिछि। आंध्र रो मुख्यमंत्री क्रिश्चियन कोटिया चर्च मानकरे आंध्र निर्वाचनी बूथ करूछि आउ सेठारे होइतबा 90% धर्मांतरीकरण पई जगन रेड्डी सरकार फंड जोगाउथिबा होइछि अभिजोग। कोटियारे थिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथक मंदिर रे ताला पकाइबा पई चर्च जॉब बड़ षड्यंत्र। जदि जगन्नाथ रहिबे ताहाले ओडिया भाबावेग रहिबो सेति पई याकु फंडुर करबा पई वाईएसआर को समयरु आरंभ होइतिला मिशन। वाईएसआर को समयरु आरंभ होइतबा ए मास्टर प्लान रो मुंडी मारुछथि खोद जगन आउ सीमारे जानिशुणी सृष्टि हेउछि विवाद। असुरक्षित सीमा आंध्र दादागिरी ओडिशा सरकार चुप ओडिशार अंश चालिकलाणी आंध्र कब्जा को ओडिशा माटीर महाप्रभु श्री जगन्नाथक मंदिर आखपाखरे गढ़ी उठिलाणी माळ माळ चर्च हेले केबे भांगिब सरकारक निद ताहाकु नै उठिछि बड़ प्रश्न। कोरापुटर गोपाल पाड़ी सह भुवनेश्वर कविता स्वाईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोविड करिदला अनाथ कोरोना किंबा अन्य रोग कारण देश में 1,47,000 शिशु बापा माँ को हर 10 राज्य मध्य एक नंबर में रही ओडिशा। ओडिशार 24,405 अनाथ शिशु रही
एने सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिछि एनसीपीसीआर। कोविड रे देश रे 1,47,000 शिशु अनाथ, ओडिशा रु सर्वाधिक 24,405 शिशु अनाथ। सुप्रीम कोर्ट रे तथ्य दाखल कला एनसीपीसीआर, कोरोना करिदेला अनाथ। कोविड महामारी समय रे कोरोना किंबा अन्य रोग कारण रु देश रे 147,492 रु अधिक पिला समानक बापा मा किंबा उभय को हराइछन्ति। सुप्रीम कोर्ट रे जातीय शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन एनसीपीसीआर एभली तथ्य प्रदान करिछन्ति। एने सत्यपाठ देश रे सर्वोच्च न्यायालय रे दाखल करिछन्ति एनसीपीसीआर, जेउथरे 10 राज्य रो ना रहिथिबा बळे ओडिसा सबुठु शीर्ष रे रहिछि। ओडिसा रु 24,405 शिशु अनाथ होइथिबा तथ्य कहउछि। ओडिसा पछकु रहिछि महाराष्ट्र। କାହିଁକିନା ଅଡିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଢ଼େଇବ, ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିବା କଥା ସେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ହେଉଛି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ସହାୟତା ଭିତରୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ଜାନୁଆରୀ 11 ଯାଏଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2020 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଜାନୁଆରୀ 11, 2022 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 10,094 ଜଣ ପିଲା ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 1,36,910 ଜଣ ପିଲା କେବଳ ବାପା କିମ୍ବା କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 488 ପିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 147,492 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 76,508 ବାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70,980 ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି କମ୍ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଭାଇରସ, ଏହାସହ ଅନେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେଣି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ 2020 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗମନାଗମନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲୋକେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତିନିଥର ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଳ କାଳ ସାଜିଛି, ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ହରା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଭରସା, ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି କାଠ ଡଙ୍ଗା, ଦଉଡ଼ି ଓ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡାରେ। ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମ, ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡଙ୍ଗାରେ ନାଉରିଆ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ କୂଳକୁ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ଭରସାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଂସାରୀ ଗଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅଧବନ୍ଧରେ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଡଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଧରିକିରି କେତେବେଳେ କାତ ମାରିକିରି ଆଉ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତେଣୁକରି ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ସ୍କୁଲିଆ ଗଣ୍ଡର 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ, ସେଇଟା ବି ବ୍ରିଜ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି ହେଇନି, ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳପଦର ପାଟଳିପଡ଼ା ଗାଁ ପାଇଁ ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ। ଏହି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଖବାସବୁଢ଼ା ନାଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଏହି ନାଳ ଉପରେ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଏଯାଏଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ପୋଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଟା ଆମର ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଆମେ 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଆର ଆସି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଏଟା ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଙ୍ଘେ ପାରେ ହେଲେ ଆନ ଜାନ ଚାଲିଛି, ଏଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେନ୍ତା ହେବା
ହେନ୍ତା ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନ୍। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ କେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଗଲା ଜାଣିପାରବାର ବୁଲିକିରି ଯାଉଛନ୍, ଆମର ସେ ପୁରୁମୁଡ଼ା ବାଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍, ସାଇକେଲ ତ ଟେକିକିରି ଯାଉଛୁ, ଅବସ୍ଥା ପାଉଛୁ, ଲୋକ ଯାକ ରହିଯାଉଛନ୍, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା କି? ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କର ବିରିଷ୍ଟି ହଉ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ, ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବ? ଛତ୍ରପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।